बीएन वाघ, रिटायर्ड जज। पिछले 40 साल से मैं ये सामाजिक आंदोलन से जुड़ा हुआ हूँ। पैगाम में मैं राष्ट्रीय निमंत्रक के हैसियत से कार्यरत हूँ। पैगाम एक गैर राजनीतिक और गैर धार्मिक संगठन है जो 2 सितंबर को मावलंकर हॉल, जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया में जो फंक्शन होने जा रहा है, ये दिल्ली NCR का पैगाम का एक राज्य अधिवेशन है, जिसमें पैगाम के कार्यकर्ता, केडर, लीडर और हित चिंतक ये हिस्सा लेंगे। तो उनकी संख्या लगभग 1000 तक हमने सीमित रखी है। हमारा मानना ये है कि मावलंकर हॉल में जो फंक्शन होगा वो सब कुछ हमारा काम कर देगा, ऐसा नहीं है। तो 2 सितंबर को लेकर जो हमारे पैगाम के कार्यकर्ता जगह जगह कार्य कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, यानी कार्यक्रम इम्पोर्टेंट नहीं है मावलंकर हॉल का, लेकिन कार्यक्रम को लेके जो जगह जगह जो फंक्शनिंग हो रही है वो इम्पोर्टेंट है। वहाँ पर तो जो कार्यकर्ता आएंगे वो एक दूसरे को देखकर वो देखेंगे कि अरे सब तरफ से कार्यकर्ता आए, इधर सब तरफ काम चल रहा है, तो उससे जो है ये कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ेगा। और जब किसी का हौसला बढ़ता है तो आप जानते हैं कि कॉन्फिडेंस मूव्स माउंटेन, जो विश्वास पैदा होता है वो विश्वास पहाड़ों को भी हिला देता है। तो उस बात को लेकर ये हमने राज्य अधिवेशन रखा है दिल्ली में। डॉक्टर साहब, इस गेट टुगेदर पैगाम की गेट टुगेदर पार्टी के अंदर, इस प्रोग्राम के अंदर दिल्ली के ही आपके पदाधिकारी आमंत्रित हैं या पूरे देश से आमंत्रित? हाँ, वैसे तो मेजॉरिटी इधर से ही आएंगे, लेकिन देश भर में हमारे जो नेता है, जो केडर है, उनको भी हमने इधर इनवाइट किया है। सर, जैसे बहुजन समाज के पास लाखों संगठन है बाबा साहब के नाम से भी और अदरवाइज भी, तो ऐसा पैगाम ऐसा क्या लेकर आ रहा है जो उनसे अलग हो रहा है? तो अच्छी बात है, जो और भी जो संगठन है फुले अम्बेडकरी सोच के ऊपर काम करने वाले, तो अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं कि अवेयरनेस निर्माण करने के लिए बहुत सारे संगठन हो। हमारा ऐसे संगठनों से कोई टकराव नहीं है, हम तो दोस्ती करना चाहते हैं, हम तो एक होना चाहते हैं, लेकिन उनका मकसद एक हो। पैगाम गैर राजनीतिक है, गैर धार्मिक तरीके से कार्यरत है, तो ऐसे अगर संगठन कार्यरत है समाज में तो हमारा उनसे कोई टकराव नहीं है। और मैं तो समझता हूँ कि ये चलते 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 जो है इनकी एक ही मंजिल होगी, अगर सही रास्ते पे चलते हैं तो। पैगाम का मेन उद्देश्य क्या होगा? पैगाम का मेन उद्देश्य यहाँ पर जो ऊंच नीचता की सामाजिक व्यवस्था है, जो चातुर्वर्णीय व्यवस्था है, उसको समाप्त करके यहाँ पर समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा और न्याय, इस सिद्धांत के आधार के ऊपर हम समाज का नवनिर्माण करना चाहते हैं। कार्यक्रम का स्थल और बता दें दर्शकों को। कार्यक्रम का स्थल, स्थान, स्थान जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया मावलंकर हॉल, जो रफी मार्ग के ऊपर है, और उसका समय है 1 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक। बहुत सर, आपने गैर राजनीतिक और गैर धार्मिक की बात कही है। हाँ जी। तो जैसा कि कई बार हमारे बहुत सारे बहुजन आंदोलन को मनुवादी लोगों ने हमारे बीच में घुसकर नेस्तनाबूद कर दिया है, क्या आपको लगता है कि पैगाम, जो आप गैर धार्मिक की बात कर रहे हैं, कि मनुवादी लोग इसमें भी घुसपैठ करके इसको बर्बाद करने की कोशिश करेंगे? कर सकते हैं, अगर आप अगर अवेयर नहीं है, आप अगर संगठन नहीं बनाते हैं, हाँ तो कर सकते हैं। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे विचारधार से प्रभावित है या नहीं है, या वो सिर्फ हमारे विचारधारा को खराब करने के लिए हमारे बीच में आ रहा है?
हम तो पैगाम को ऐसा पोलादी संगठन निर्माण कर रहे हैं कि जिसमें ऐसे लोग जो है वो आ ही नहीं पाएंगे। हम ऐसा मजबूत संगठन तैयार कर रहे हैं। जब जब बाबा साहब की विचारधारा मजबूत होती है, हमारे महापुरुषों की विचारधारा मजबूत होती है इस देश में, उसको खत्म करने के लिए वो लोग कुछ ना कुछ रणनीति तैयार करते हैं। कुछ लोग ऐसी रणनीति तैयार करते हैं जो पैगाम में घुसने की कोशिश नहीं करेंगे। कैसा है कि वो अपने बचाव के लिए तो करेंगे जी। लेकिन हम भी तो, हमारे पास भी तो बुद्धि है जी। तो हमने भी हमारे आंदोलन के लिए मार्ग बनाना और मार्ग के ऊपर जो देख रेख करने के लिए जो कार्यकर्ता, केडर, नेता, ये अगर मजबूत है तो फिर कोई आपके आंदोलन में घुस नहीं पाएगा। तो हम वो प्रिकॉशन ले रहे हैं। सर, गैर धार्मिक आंदोलन की बात करें, गैर धार्मिक आंदोलन में सभी सभी धर्मों का स्वागत है, चाहे वो हमारे अपोजिट क्यों ना हो। अपोजिट का मतलब क्या है? हमने महात्मा फुले, इन्होंने जो समाज के दो वर्ग बनाए हैं, सेठ जी भट जी जिसको ब्राह्मण बनिया कहते हैं, और दूसरा शूद्र अति शूद्र जिसको हम आज बहुजन समाज कहते हैं, तो हम बहुजन समाज को ही इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो विरोधी है वो तो बहुत आगे है और उनको ज़रूरत भी नहीं है, वो तो ये व्यवस्था मेंटेन करना चाहते हैं। तो वो अपने हाथ से अपने पैर के ऊपर कुल्हाड़ी नहीं मारेंगे, वो काम वो नहीं करेंगे ये। तो इसलिए हमने उनको अलग रखा है, इसलिए नहीं है कि हम उनका द्वेष करते हैं। क्योंकि जब हम बुद्धा की बात करते हैं, महात्मा फुले की बात करते हैं, गुरु नानक की बात करते हैं, तो हम किसी का द्वेष कर ही नहीं सकते। हमारे अंदर प्रेम ही प्रेम है सबके लिए, भले ही वो हमारा द्वेष करे, भले ही वो हमको नीच माने, लेकिन हम तो समाज में बराबरी की व्यवस्था निर्माण करना चाहते हैं। सर, एक अपील कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो कर्मचारी बन रहे और ज़्यादा से ज़्यादा जो सामान्य लोग हैं जो पैगाम तक नहीं पहुंच पाए, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके कार्यक्रम में आ पाए। सर, हाँ, अपील तो मैं करना चाहूँगा, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि समझ के आइए। ऐसा नहीं है कि पैगाम ने फंक्शन लगाया है मावलनकर हॉल में तो फिर चलो, ऐसा नहीं है। हम चाहते हैं कि पैगाम क्या है, कम से कम इतना जानकर आप उधर आइए, सबका वेलकम है।